ओके सो हेलो जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई गेस सभी बच्चों को क्वेश्चन विजिबल है, आई गेस सभी बच्चों को क्वेश्चंस विजिबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीए का मॉक टेस्ट 23 सॉल्यूशन की। एकदम मस्ती से, एकदम जल्दी से बात करेंगे बढ़िया से उस क्वेश्चंस की। आ जाइए, आई गेस विजिबल हो गया होगा मेरे को। हेलो एवरीवन, जल्दी से आप बता दीजिए विजिबल है या नहीं है। हेलो जी, हेलो एवरीवन, जल्दी से बोल दीजिए सब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मेरा दिख गया, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चंस को। इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करके एकदम क्वेश्चंस को चालू कर देते हैं हम। ओके डन, आई गेस विजिबल हो गया होगा। हेलो जी, नाउ आई गेस चलिए सब कुछ विजिबल है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस विजिबल है, बढ़िया से विजिबल है। ओके हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो गाइज, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके चलिए आइए तो फिर चालू करते हैं भैया एकदम जल्दी से मस्ती में। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं, क्या बोलते हो पब्लिक, चालू करें क्या? आ जाइए चालू करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग इधर उधर जाए हुए क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाय हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी से आ जाइए चालू करते हैं, ठीक है? आ जाइए, डन। सो गाइस पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। ओके क्वेश्चन नंबर 1, एज फार एज फ्लावरिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट इज कंसर्न, फ्लावरिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट इज कंसर्न, नील कुरौंजी एंड बैम्बूसा डू नॉट कंबाइन अलॉन्ग विथ, डू नॉट कंबाइन अलॉन्ग विथ। अब देखिए एग्जाम ऑप्शन क्या क्या दिया है, डू नॉट कंबाइन बोल दिया ना। आप नील कुरौंजी और ये तुम्हारा बैम्बूसा को कैसे जोड़ सकते हो? आप जोड़ सकते हो कि ये एक ही बार फ्लावर देगा, ये एक ही बार फ्लावर देगा, बस कहानी खत्म इसकी, है ना? ये एक ही बार फ्लावर दे के कहानी खत्म इसकी, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा, आप अगर ऑप्शन देखोगे यहाँ पे मैंगो मैंगो, अब आप बोलोगे सर जी मैंगो तो हम बोल सकते हैं बिकॉज मैंगो का पेड़ तो बहुत बार आम देता है हमको, हमको बहुत बार आम देता है, तो आप यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हो मैंगो के साथ। एप्पल ऑल्सो, आई गेस ये वाला क्लियर हो गया हो, एक छोटा सा लाइन है। देखिए एग्जाम में ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, आपको क्लियर करना पड़ेगा ये सब जो बोलते हैं ना, छोटे छोटे से चीज एग्जाम में आएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज लिटरली बता रहा हूँ, ये ऑल ऑफ दीज आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज। चलिए आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, एकदम जल्दी से देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। ओके क्लियर करते हैं एक और क्वेश्चन को, चलिए आ गया हमारा। ओके डन, क्वेश्चन नंबर 2। आई गेस स्लाइड सभी बच्चों को विजिबल है, एकदम बढ़िया से स्लाइड विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करें, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए आइए अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है भाई, जल्दी से पढ़ते हैं। सेकेंड मियोटिक डिविजन याद करिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया से मैं एकदम एकदम बेसिक में बात करता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, डन। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी के बाद जब आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके डन। उसके बाद स्पर्माटिड वाली कहानी आती है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, प्राइमरी स्पर्मासाइट वाज, ओके वाज 2n, यहाँ से फिर ये सेकेंडरी बनता है दैट इज n, तो यहाँ मियोसिस 1 हो गया। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्माटिड बना तो फिर क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता भाई साहब, आप बता दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लग रहा है, कब होगा मियोसिस 2? मियोसिस 2 होना चाहिए व्हेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्माटिड बनता है, तो आंसर हो गया नंबर डी इसका भी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैचिंग दिया हुआ है गाइज, आपको मैचिंग करना है मेल एक्सेसरी डक्ट। आइए इसको मैच करते हैं, आइए जी जल्दी से इसको मैच करते हैं, हल्का सा जूम इन कर दिया आपके लिए ना, अब इसको मैच करते हैं। चलिए अरे ये क्या हो गया जी, कोई बात नहीं, आइए इसको मैचिंग करते हैं हम, इसको जल्दी से एक बार मैचिंग कर देते हैं, एकदम जल्दी से इसको मैच करके चालू करते हैं क्वेश्चन। इसमें बोल दिया पी नंबर मेल एक्सेसरी डक्ट, क्यू नंबर द एक्सटर्नल जेनिटीलिया ऑफ द फीमेल, और आर इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड। आज ही एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता था फिलिंग, आप बताओगे क्या या मैं बताऊं? हेलो जी आ जाओ एक और करवाते हैं, ये वाला जल्दी से करते हैं। पी नंबर का क्या हो जाता, आप लोग खुद लॉजिक लगाओगे, खुद लॉजिक लगाना है। मेल एक्सेसरी डक्ट क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे डक्ट क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है रेटी टेस्टिस लिखा हुआ है, मेल में ही होता है, फिर आपका वासा एफरेंशिया बोल सकते हो, फिर आपको और क्या बोल सकते हो जल्दी से बता दीजिए, एपिडिडिमिस बोल सकते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं, पी मेल एक्सेसरी डक्ट कैन बी रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस, तो यहाँ पे 2, 5, 6 होता। चलिए आइए पी का, तो ये ताला लगा दिया, यहाँ 7 लिख दिया गया है भाई, 7 तो ग्लैंड है ना, तो वो डक्ट में तो नहीं आता, बल्बो यूरेथ्रल इज ए ग्लैंड, तो ये तो नहीं होता, ये कट गया, और इसमें इनकम्प्लीट दिया है और इसमें भी इनकम्प्लीट दिया है, तो एकदम इजी पी से आपका सॉल्व हो गया, आपका पी से ही सॉल्व हो गया, तो आंसर विल बी नंबर ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास आइए। देखिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की,
चलिए जरा सा देखते हैं आप लोगों को आंसर आता है या नहीं आता एक बार फोर का। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन को कि इसमें क्या चीज का प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बार कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्लाइड क्लियर नहीं है भैया आप। ओके मिलट भाई, आप एक काम करो, आप अपनी जो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो, वहां पे ऊपर जो रेजोल्यूशन का साइन है ना, वो थ्री डॉट से करके क्वालिटी को 480p कर लीजिए। आई गेस क्लियर हो जाएगा एकदम, बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, जस्ट आप वो 480p कर लो। ओके नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर जी ये वाला स्टेटमेंट, सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी और HIV, याद करिए वो कैसे फैल सकता है, वो इंजेक्शन से। मान लीजिए ड्रग एब्यूजर है कोई, या मान लीजिए कोई टूथ एक्सट्रैक्शन पे गया, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा भी फैल सकता है कि HIV वाले का हुआ, उसके बाद सही से प्रॉपर वॉशिंग नहीं हुई उस इंस्ट्रूमेंट की तो फैल सकता है, तो ये तो करेक्ट है। आ जाइए, द एडोलेसेंस पीरियड बिटवीन 18 से 25 साल। नहीं जी ये तो गलत है, एडोलेसेंस कितना पीरियड को बोलते हैं जल्दी से बताइए। 12 से 18 साल को बोलते हैं, 12 से 18 साल के एज को बोलते हैं एडोलेसेंस, तो ये वाला गलत है। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ द STDs इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन। ओके ये तो सही बात है, जेनिटल रीजन में। तो 1 और 3 सही है, तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हो गए, इसमें 2 स्टेटमेंट सही हो गए। आंसर विल बी नंबर सी, क्लियर हो गया एज क्रिस्टल क्लियर। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आइए पहले अब इनकरेक्ट मैच को पढ़ते हैं हम जल्दी से यहाँ पे। हाँ इनकरेक्ट मैच को पढ़ना है, मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग जल्दी जल्दी से। आज ही यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहला लाइन का बी वैक्स। बी वैक्स क्या चीज में यूज होता है, पॉलिश में। यस पॉलिश और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है बी वैक्स का, तो ये तो करेक्ट है। अब आपसे पूछा गया म्यूल, म्यूल क्या चीज से मेटिंग, क्या चीज का मेटिंग करके बनाया जाता है, याद करिए, बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। ये तो सही बात जा रहा है ना, ये तो सही जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिल्सा सार्डिन और ये जो तुम्हारे लिखा है मैकरेल, हिल्सा सार्डिन मैकरेल लिखा है, आई गेस देख पा रहे होगे आप यहाँ पे। और क्या लिखा है, वो सब क्या होता है, मरीन फिश होता है, सबको पता है मरीन पॉम्फ्रेट भी ऑल्सो भी मरीन फिश। अब यहाँ पे एक और डी नंबर लिखा हुआ, क्या स्टेटमेंट है भाई, आओ पढ़ते हैं डी नंबर, मीनू जी पढ़ते हैं। इनब्रीडिंग रिफर्स, इनब्रीडिंग का क्या लिखा है, इनब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ क्लोजली रिलेटेड ब्रीड। भाई ब्रीड का थोड़ी सेम ब्रीड का होता है ना, क्लोजली रिलेटेड ब्रीड थोड़ी होता है, सेम ब्रीड होता है ना, इसमें तो सेम ब्रीड होता है। क्या हुआ आपको आइडिया नहीं आया, इन ब्रीडिंग में तो सेम ब्रीड होता है। ओके सेम ब्रीड होता है जिसमें भी चार एकदम 4 से 6 एकदम कॉमन मिलता है, तो आंसर विल बी नंबर डी। ये गलत दे दिया ना, ये तो गलत दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करें क्या, जब आपको बोलेगा ना डिफरेंट ब्रीड, जब बोलेगा ये तो क्योंकि डिफरेंट ब्रीड बोलता है तो आप लोग क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। चलो एक और करते हैं भैया, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 करते हैं। आ जाओ, ये 7 दिख रहा है सभी बच्चों को स्क्रीन पे, भाई इससे बड़ा और क्या दिखना चाहिए आपको, क्वेश्चन पूरा क्लियर है। यस जी काशिका जी, डी आंसर है, क्लियर हो गया ना। वाई नॉट बी, बिकॉज वो डिफरेंट स्पीशीज से तो आता है, क्या प्रॉब्लम है उसका, म्यूल का आप बता दीजिए, म्यूल के लिए क्या प्रॉब्लम है। चलो एक और क्लियर करें क्या, चलो ये वाला आते हैं भैया, यहाँ पर पोल नहीं हो सकता, यहाँ पे ये वाला ना रैपिड करते हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कोई बंदा ये मेरे को बताएगा इसका आंसर क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्या चीज एसोसिएटेड नहीं है। 6 नंबर जो है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी क्वेश्चन आएगा, हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, आप ये बता दीजिए मेरे को, आप जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। भैया पहला लिखा है इसमें BOD, ओके फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक एक्टिवेटेड स्लज और स्क्रबर। भाई स्क्रबर तो एयर के लिए था, स्क्रबर तो एयर में SO2 को हटाने के लिए था, याद आया, तो ये वाला गलत है, ये एयर में SO2 को हटाने के लिए था, S फॉर S याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले 8 को पढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द एंजाइम टैग पॉलीमरेज, मतलब थर्मस एक्वाटिकस से जो मिलता है वो पॉलीमरेज PCR में यूज होता है ये। आज ये पढ़ लेते हैं उसको एकदम जल्दी से पढ़ते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करता हूँ। यस हाँ आज ये इसका बात करते हैं, इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। यस दिस इज थर्मोफिलिक, दिस इज थर्मोफिलिक। ओके और क्या लिखा गया यहाँ पे आप लोग चलिए देखते हैं, इट रिक्वायर प्राइमर फॉर कैरिंग आउट द प्रोड्यूस पॉलीमराइजेशन। ओके उसको प्राइमर चाहिए, ठीक है हाँ। और थर्ड नंबर क्या लिखा, इट इंक्लूड डीनेचुरेशन। नो मैन इट डजेंट इंड्यूस, ये इंड्यूस नहीं करता, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा ब्रेक नहीं होता है डीएनए, डीएनए को आप ब्रेक कैसे करते हो, टेम्परेचर हाई करके, नॉट थ्रू इंजाइम। आपको डीएनए को जब डीनेचुरेट करना रहता है आप हाई टेम्परेचर देते हो, ना कि इसको इंजाइम को डालते हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो गया, 1 और 2 नंबर हो गया, नॉट थ्री, नॉट थ्री। तो आंसर क्या हो गया जल्दी से बताने का, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा फिर,
आप खुद बता दो, नॉट थ्री, बिकॉज क्योंकि ये जो है ना डीनेचुरेशन किससे होती है, हाई टेम्परेचर से होती है, नो एंजाइम, नो एंजाइम, तब हो गया नंबर ए आंसर। क्लियर हो गया सभी बच्चों का? सभी बच्चों का क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, डन। क्वेश्चन नंबर 9, वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स, वैक्सीनेशन भाई वैक्सीन, हम लोग सुनते हैं ना वैक्सीन दे दो वैक्सीन दे दो, नॉर्मल इंसान को भी वैक्सीन देते हैं, मतलब क्या करते हैं हम उसको आर्टिफिशियली, हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं उसको, आप खुद लॉजिक लगाइए, हम आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं बताओ, कैसा आपका बॉडी को लड़ने के लिए तैयार करवा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव देते हैं ना, एक्टिव देते हैं आर्टिफिशियली, मतलब एक्वायर करता है बेसिकली, वो एक्वायर करता है, सीधी बात है वो एक्वायर्ड ही है ना, वो एक्वायर्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आप खुद बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाता है नाइन का, नाइन का फिर क्या होता आप लोग नहीं समझे, वापस समझाता हूँ। वैक्सीन में होता क्या, हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगा, हम क्या करते हैं मान लीजिए कोई छोटा सा बोलते हैं ना एंटीजेनिक सब्सटेंस दे दिया जिसके कारण ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ओके, तो फिर ये एक्टिव होता। अब आता है एक्वायर्ड होगा या इनेट होगा, इनेट मतलब बचपन से प्रेजेंट होता है, अगर बचपन से प्रेजेंट होती तो वो काहे का वैक्सीन हो गई, तो आंसर विल बी नंबर सी, एक्वायर्ड हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया, इसको एक और नाम ले सकते हो आप लोग, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं, चलो आ जाओ एक और करते हैं जी, जल्दी से हम लोग डन करके ये वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, इन 1997, ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है हमारा, ठीक है। 1997 में बासमती राइस का पेटेंट जो मिला, बासमती राइस का पेटेंट किसने लिया था, अगर मैं आपको एक लाइन बोलूं कि भैया यूएस पेटेंट ने दिया था, यूएस की कंपनी थी जिसने इसका नाम टेक्सामती रख दिया था, ओके क्लियर हो गया ना, ये छोटा सा लाइन, एकदम जल्दी से करते हैं ये वाला, ये क्लियर हो गया भाई, अभी तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहेगा, सीधी बात है, ऑनलाइन कहीं भी पढ़ लो जो अच्छा लगेगा आपको, और आज भाई ऑनलाइन सबसे सही रहता है क्योंकि आप टीचर चूज कर पाओगे। मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों को हुई है अभी ये लॉकडाउन में, आप ये बता दीजिए, तो आंसर विल बी नंबर ए, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस याद रहेगा। चलिए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइना, एंजाइना को बोलते हैं चेस्ट पेन, ओके, एंजाइना को बोलते हैं चेस्ट पेन, ठीक है। ये चेस्ट पेन क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ, आप खुद बता दीजिए चेस्ट पेन क्यों होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए चेस्ट पेन क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, हमारे दिल को भैया खून सही से नहीं मिल पाता है, तो हमारे दिल बीच बीच में बोलता है यार ब्लड दे दो, यार ब्लड दे दो, समझ आ गया ये वाला, तो आंसर विल बी नंबर है। देखो एंजाइना पेक्टोरिस बोलते ही मतलब चेस्ट का रीजन, चेस्ट का रीजन, और एंजाइना पेन, तो चेस्ट पेन याद रहेगा। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रेड टाइड, भैया रेड टाइड किसके द्वारा होता है, अगर मैं आपको बोलूँ ये एनसीईआरटी का पूरा डेटा उठा के दे दिया, गोनेलेक्स, गोनेलेक्स के कारण रेड टाइड होता है, वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसके कारण सी रेड कलर का दिखने लगता है, और कुछ चाहिए जिसके कारण मरीन एनिमल मर जाते हैं, और कुछ चाहिए इसमें, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसमें से एबसेंट रहेगा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वर्क, स्पायरोगायरा और नॉस्टॉक, आंसर विल बी नॉस्टॉक, क्यों बोल दिया, बिकॉज ये प्रोकैरियोट है, बिकॉज ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स, क्लियर हो गया, प्रोकैरियोट है, डन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाता है आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बच्चा जी, ओके 14 लास्ट में आएगा, बिकॉज वो बड़ा क्वेश्चन था, मैंने उसको अरेंज कर दिया, एडिट करके ज्वाइन कर दिया मैंने, आप लोग लास्ट में देखना वाला, ठीक है। चलिए तब तक आप ये वाला करिए, ए मेंबर ऑफ द प्लांट फैमिली, ओके मेंबर ऑफ द प्लांट फैमिली विच स्टोर द फूड इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में कौन जमा करता है, अरे भैया देखा है, ओके ग्रामीणी देखा है, ग्राम, ग्राम का देखा है, मोनोकॉट की फैमिली होती है, ग्रामीणी मोनोकॉट की फैमिली होती है, हाँ वो क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म को स्टोर करके रखते हैं, एंडोस्पर्म याद रखिएगा, देखिए सोलानेसी आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे क्या हो गया, इसमें बोलता है स्टोर फूड इन एंडोस्पर्म ओनली, हाँ कि भैया वो एंडोस्पर्म में ही स्टोर करता है, कि उनका सीड ही एंडोस्पर्मिक रह जाएगा, याद रख लीजिएगा ये वाला, तो ग्रामीण ही हो जाएगा मोनोकॉट फैमिली, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। अब आप बोलोगे सर जी सोलानेसी की तो रहती है, बट उसमें और जगह भी स्टोर रहता है, दैट इज वाई, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और करते हैं, यहाँ पे फूड स्टोर ही रहता है एंडोस्पर्म में, ओके इसीलिए बोलते हैं, चलो ओके एक और करते हैं, इसमें कॉटिलेडन वाला कहानी रिड्यूस हो जाएगा, चलो एक और करते हैं, ये करें क्या, वुड, भैया वुड इज सेपरेटेड इन फ्लोएम, आज बहुत सही क्वेश्चन है, वुड इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोएम, वुड और फ्लोएम, वुड का मीनिंग क्या यहाँ पे बोला गया है जी, आप जल्दी से बता दो, ये वाला करते हैं, वुड में ओके क्या हो गया आप लोगों को, देखो डाइकॉट में क्या हो जाता है, डाइकॉट में आपको कॉटिलेडन में स्टोरेज मिलता है ज्यादा, डाइकॉट में आपको कॉटिलेडन में ज्यादा स्टोरेज मिलता है, इसीलिए बोल दिया, पहले ही बोल दिया, क्लियर कर दिया, ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला,
वुड भैया, वुड को क्या बोलते हैं? वुड का मतलब क्या होता है? आपको ही बताएगा मेरे को। जाइलम मतलब कौन सा जाइलम? सेकेंडरी जाइलम। वुड को बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। ओके, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, अज्यूम करते हैं इसके बीच क्या होना चाहिए? इसके बीच क्या होना चाहिए? ये चीज क्या चीज होना चाहिए? कैम्बियम होना चाहिए, याद करो, कैम्बियम होना चाहिए ना, कैम्बियम होना चाहिए। ओके, फ्लोएम और जाइलम के बीच क्या होता है? कैम्बियम होता है ऑब्वियसली, तो आंसर क्या हो जाएगा? वास्कुलर कैम्बियम। ओके, अब आप बोलोगे नहीं सर, ये इंटरफेसिकुलर नहीं हो जाता क्या? मैं बोलूंगा नो नो, इंटरफेसिकुलर नहीं हो जाता। अभी आपके इसको क्लियर करते हैं, एक बार रुक जाए, इसको मिटा देते हैं एक बार जल्दी से, इसको मिटा के आपको दिखा देते हैं। चलिए आइए, इसको दिखा दे रहे हैं, अभी दिखा दे रहे हैं। इसमें होता क्या एक्चुअली? इसमें होता है एक्चुअली ये है कि एक सेकेंड जरा सा इसको नैरो करते हैं तो आपको और मजा आएगा क्लास को देखने में। चलिए डन करते हैं। अब हम यहाँ पे जो चीज नोटिस करवा रहे हैं ना, देखो अगर मैं एक वास्कुलर बंडल ऐसे बनाऊँ ना, इसके बीच में मैं ये कैम्बियम बना रहा हूँ, ये कैम्बियम, तो इसको बोलते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, मतलब एक फैसिकल के अंदर वाला। एक फैसिकल किससे बन रहा है? जाइलम प्लस फ्लोएम से एक फैसिकल बोल रहे हैं। अब अगर मैं बताऊँ एक और जाइलम फ्लोएम ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ भी एक कैम्बियम है। ओके, इसके बीच वाला जो कैम्बियम बनेगा ना, इसको बोलेगा आप लोग क्या बोलोगे? इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। इंटर फैसिकुलर, दो फैसिकल के बीच हो गया तो इसको बोलते हैं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम किससे बनता है, कोई बताएगा? वास्कुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ इंट्रा फैसिकुलर प्लस इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, दोनों को जोड़ के ही बोलते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और हो जाए, एक और हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बात करेंगे यहाँ पे। आज ये क्या हो गया, लैग हो रहा है क्या? चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला प्यार से करेंगे। कॉकरोच में टेस्टिस कहाँ पे कहाँ से रहते हैं भैया? फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, याद रहेगा, फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल। और यहाँ पे क्या लिखा है जल्दी से बताए? ईच कंपाउंड आई, यहाँ पे कितने होते हैं? 2000, 2000, 2000 रुपये, मतलब 2000 आंखें का भैया, याद रखिएगा। ओमाटीडिया 2000 होते हैं, ओमाटीडिया 2000 होते हैं, सीख गए तो आंसर क्या बन गया जल्दी से बता दो? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बन गया। देखो वेरी बेसिक से निकाल दिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सब कुछ जो छोटा छोटा चीज है वो क्लियर कर दूँ। अब आया वैक्यूल, वैक्यूल आर सराउंडेड बाई थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज डैश। वैक्यूल से सराउंडेड भाई, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, सीधी बात है भैया, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इधर कुछ घुमाने का नहीं है, आंसर विल बी दिस। प्लाज्म मतलब अंदर का मटेरियल, वैक्यूल के अंदर का मटेरियल टोनोप्लाज्म, बाहर वाला को बोलते हैं जो मेम्ब्रेन को, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, दैट इज इट। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए जल्दी से फोकस करिए यहाँ पे, आज ये डन करें क्या? पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ कितना बोन? पेल्विक गर्डल, पेल्विक बोला, लोअर वाला, लोअर वाला बोल दिया, दो बोन, मतलब यहाँ पे एक ऐसे गर्डल के लिए कहानी आती है और बीच में एक और आती है कहानी, ऐसे करके आप लोग बनाते थे ना, याद आ रहा है कुछ कि भैया एक और यहाँ पे, तो और ये दोनों के बीच ऐसे ऐसे गड्ढा कर देते थे, तो ये वाला एक और एक ये वाला, एक एक दो, तो दो बोन हो जाएगा, याद रखिएगा, पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ दो बोन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ फॉर बींग फंक्शनल ए प्रोटीन हैज टू एक्वायर, एक बात बताओ, फंक्शनल प्रोटीन मतलब बोलते हैं ना उसको अपना फंक्शनैलिटी शो करने के लिए उसको मिनिमम कौन सा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी? आज ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हल्का सा, लाइक अगर आप बायोमोलिक्यूल डिटेल में पढ़े हो ना तो आपको याद रहेगा, आंसर विल बी टर्शियरी, आंसर विल बी टर्शियरी स्ट्रक्चर ओनली, दिमाग में रख लो यार, इसको टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी, नॉट सेकेंडरी, बिकॉज सेकेंडरी में वैसी बॉन्डिंग नहीं मिलती है सेकेंडरी में जिसके कारण कि वो अपना इंडिविजुअलिटी शो कर पाए और अपना फंक्शन अच्छे से शो कर पाए, दैट इज वाई, इसीलिए पहले मैंने क्लियर कर दिया। क्वार्टरनरी में तो दिखेगा ही दिखेगा, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट मिनिमम, मिनिमम क्राइटेरिया उसका टर्शियरी होने का। एक और करते हैं, चलो आओ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके ओके ओके, ये वाला जो जो छूट रहे वो लास्ट में आएंगे आएंगे, इतना भरोसा रखिए आप। ये वाला क्वेश्चन बताइए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस लास्ट फॉर मेनी डेज? आ जाओ देखते हैं क्या क्या लिखा, पैकेटिन, डिप्लोटिन। एक सेकेंड मैं आपके चैट्स को सही से करता हूँ, यहाँ पे आपके चैट्स नहीं दिख रहे हैं मेरे को, एक सेकेंड आ जाइए, क्या हो गया जी? आइए, ओके, इंसुलिन प्राइमरी नहीं है, क्या कर रहे हो उसमें? दो पॉलीपेप्टाइड चेन आ रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं प्राइमरी है, क्या कर रहे हो यार? चलो एक और ये वाला को देखते हैं, आप ये वाला को देखिए, अभी आएगा मस्ती आएगा क्वेश्चन पे। हाँ ये वाला को देखिए आप, जल्दी से देखिए वाले क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे भैया? यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? बहुत दिन के लिए रहता है, आंसर विल बी डिप्लोटिन,
डिप्लोटिन पे क्या हो जाता है, याद आ रहा है? डिप्लोटिन लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है डिप्लोटिन। एग लेइंग मैमल में क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम योक सिंथेसाइज होता है भैया इस टाइम पे, मतलब मैक्सिमम अंदर का मटेरियल। तो आंसर विल बी नंबर टू, डिप्लोटीन। भैया पढ़ा है डिप्लोटीन के बारे में, और पढ़ा है एग्स के बारे में? डिप्लोटीन नहीं पढ़ा, तो हम लोग ट्राई करेंगे आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट वाला चैप्टर देने का, ट्राई कर रहे हैं कुछ बढ़िया आपको प्रोवाइड करने का, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। यहाँ पे आपको पूछा गया प्योर एनसीईआरटी सर जी, ओके ये वाला है प्योर, बोलते हैं प्योर एनसीईआरटी, और अगर ये गलत कर रहे हो तो अब मुश्किल है। कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर? फॉर ए सोल्यूशन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या हो जाता है 23 का? यहाँ पे आपको लगेगा सर जी ए मारोगे आप, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बी मारने। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी में लिख दिया गया है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर साई पी, साई पी को आप जीरो ले लेते हो, साई पी जीरो, तो यहाँ पे जीरो गायब हो जाएगा, यहाँ पे जीरो गायब हो जाएगा, जो बोलते हैं ना ये पी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे पी को हटा दिया जाता है, इसीलिए आंसर विल बी नंबर बी। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन बना है, कहीं से और नहीं बना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो डन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ओके। अकॉर्डिंग टू द पोटेशियम पंप थ्योरी, पोटेशियम पंप थ्योरी, भैया पोटेशियम पंप थ्योरी सुना है कहाँ पे होता है? ओके, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए होता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए होता है, ठीक है? उसमें आइए सीखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। भैया ओपनिंग विच विल नॉट अकर, एक सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, ये जो स्टोमाटा का ओपनिंग है ना, होता कैसे है यार ये वाला, कि भैया जब स्टोमाटो को ओपन वाला ओपन करना रहता है, हम लोग का क्या करते हैं उसमें, मैलिक एसिड जो है हमारा, मैलिक एसिड क्या करता है, डिसोशिएट करता है। मैलिक एसिड डिसोशिएट किया मैलेट आयन और एच प्लस आयन पे। अब ये जो एच प्लस आयन है ना, मेरे को क्या करना रहता है, एच प्लस को ये बाहर डालो, ओके क्या करोगे आप खुद बता दो, बाहर डालोगे और के प्लस को अंदर लेके आओगे। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, नॉट पैसिव, ये पैसिव नहीं होता, इसमें एनर्जी रुपया खर्च होता है। रुपया मतलब क्या, एटीपी, हमारे सेल का रुपया तो एटीपी है ना, तो याद रखिएगा ये पैसिव नहीं होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है। ये वाला लाइन क्लियर हुआ सभी बच्चों का कि भैया ये तो एनर्जी डिपेंडेंट होता है, इसमें क्या होता है, एच प्लस आयन को आप बाहर फेंकते हो, के प्लस को अंदर डालते हो। आपको क्या पूछा है इसमें, बोला नॉट अकर, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो नंबर बी हो गया, पैसिव नहीं है ये, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और हो जाए, चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का हम बात करते हैं आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन एक्टिंग एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन एक्टिंग एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आंसर करेंगे। यहाँ आप लोगों के डाउट आ सकता है, सर बोलोगे कि सर कुछ भी तो हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, आंसर विल बी नंबर ए, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन याद रखिएगा, ये कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ओके ये क्या है भैया, कैरियर है। ये वाला चीज दिमाग रहेगा सबके पास, दिमाग में रहेगा, यस आपको रहना चाहिए। ये इसको बोलते हैं मेटालो प्रोटीन, ये बोलते हैं ना, इसको आप बोल सकते हो मेटालो प्रोटीन। साइनिन मतलब कैसा कलर होगा, साइनिन आ गया तो ब्लू कलर का होगा, साइनिन आ गया तो ब्लू कलर का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 26, ओके। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। एबीए का मतलब क्या होता है भैया, एबीए का मतलब होता है स्ट्रेस वाला हार्मोन, याद आ रहा है? एबीए यहाँ पे क्या लिखे, एबीए क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, स्ट्रेस वाले में रिलीज होता है। प्लांट को बोलता है भाई अभी स्ट्रेस है, अभी बोलते हैं अभी मंदी चल रही है तो संभल के रहो। तो अब यहाँ पे लिखा प्रमोट सीड जर्मिनेशन, गलत लाइन है, कैसे है भैया, एबीए प्रमोट थोड़ी करेगा, सीड को क्या बोलेगा, सीड को बोलेगा भाई अभी जर्मिनेट मत कर भाई, सीड सीड भाई अभी जर्मिनेट मत करो, अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं आया आपके लिए। चलो ये वाला क्लियर हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो डन। नंबर जी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे नंबर डाल के रखा हूँ, आप लोग वहां पे जाके नंबर ले सकते हो। चलो ये वाला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज नॉट करेक्टली मैच विद द एंड प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा अपने एंड प्रोडक्ट के साथ करेक्टली मैच्ड नहीं है, नहीं बोला है ना, नहीं बोला है, ओके नॉट करेक्टली बोला है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पे फैट से लेके, अगर मैं आपको एक नोटिस कराऊँ, फैट से मोनोग्लिसराइड कर दिया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है आप खुद ही बता दो। यहाँ पे फैट का क्या करते हैं आप लोग खुद बता दो, यहाँ पे प्रोडक्ट खाली ऐसे थोड़ी निकलता, क्या करते हैं, एक ग्लिसरॉल निकलता, वही वाली कहानी आ रही है ना भैया। फैटी एसिड कैसे होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल वाली कहानी आती, क्योंकि बिकॉज फैटी एसिड क्या चीज़ से बनते हैं भैया, अगर आप बताओगे तो, इसमें ट्राइग्लिसराइड है ना, फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड, तो आंसर विल बी सी। अब आप बोलोगे नहीं सर वाई नॉट तुम्हारा ये ए नंबर, वाई नॉट ए नंबर, आप पूछ सकते हो कि भैया वाई नॉट ए नंबर, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, सबसे बेसिक पे न्यूक्लियोसाइड आता है, न्यूक्लियोसाइड को जब आप ब्रेक करोगे तो शुगर एंड बेसिस ही मिलेंगे, दैट इज वाई इसमें ये नंबर ए को आप लोग नहीं लिए। मेरे आप लोग को लगता
आप लोग को लगता ना सौरभ भाई कि आप लोग नंबर ए ले सकते थे, इसीलिए नहीं लिए, वट दिस इज द रीजन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, आपको इसीलिए बोल दिया मैंने, पहले बोल दिया, आप लोगों को बहुत जगह से कुछ ना कुछ मिलता होगा। आई ट्राई टू क्लियर, क्योंकि एनटी है ना, कोई भी पॉइंट रखता है उसके पीछे कभी वैलिडिटी रहती है और कभी तो गलत ही रखता है, कभी तो सो सो के रख देता है, तो हम ट्राई करते हैं उसको सॉल्व कर देने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ यहाँ पे, आपको दिख रहा है सर जी ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, क्वेश्चन विजिबल है ना, जूम करेगा जरा सा, आ जाइए डन, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा इंस्पिरेशन, चलो आओ इंस्पिरेशन बोला, इंस्पायर करोगे तो क्या कहानी होती है, आप मेरे को एक लाइन बता दो। चलो इंस्पिरेशन के लिए पूछा, अब हम इसको क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इंस्पिरेशन के समय, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन लिख लेते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम, इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है आप खुद बताओ, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे जाएगा, मतलब इंस्पिरेशन के समय फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम, ओके डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा इंस्पिरेशन के समय, यही कहानी होती है। और क्या होता है आप लोग खुद बता दीजिए, अब जैसे ही देख लिया भैया डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, तो कौन से एक्सिस में तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता है, देखो डी डी को रिपेल करता है, मतलब डायफ्राम के समय कभी भी डोर्सो वेंट्रल में नहीं बढ़ेगा, आप याद रखिएगा एंटेरो पोस्टीरियर में बढ़ेगा, तुक्का मारने की टेक्निक है। मान लो आपको कुछ नहीं आए, कुछ नहीं आए तो ये दिमाग में रखना, डी और डी रिपेल करेगा, तो डायफ्राम में आप कभी भी मत बोलना कि डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में ये तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता है, ये छोटा सा ट्रिक है, तो ये ट्रिक हो गया तो फिर आपको याद रखने में आसानी होगी, आंसर विल बी नंबर ए, ये होता है ट्रिक छोटा सा। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, यहाँ पे आ जाइए डन। विच सेट ऑफ एनिमल आर यूरियोटेलिक, जो यूरिया निकालते हैं, भैया यूरिया निकालने का मतलब समझ रहे हो, ओके चलो एक और करते हैं, चलो कोई तो फ्लैट होता है, चलिए ये वाला आप बता दीजिए, इसमें यूरिया कौन निकाल सकते हैं, ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, क्या क्या दे दिया, एक्वाटिक एम्फीबियन इंसेक्ट, बोनीफिश इंसेक्ट, और क्या क्या दे दिया गया है यहाँ पे जल्दी से देखिए, बोनीफिश एंड मैमल, और क्या लिखा गया है, मैमल एंड टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन, चलिए दिमाग लगाते हैं। अमोनोटेलिक किसको बोलते हैं, पहले अगर मैं आपको अमोनोटेलिक बोलूँ तो बोनीफिश को आप अमोनोटेलिक बोलोगे, एक्वाटिक एम्फीबियन को आप अमोनोटेलिक बोलोगे, या एक्वाटिक इंसेक्ट को, तो वहां से आप एलिमिनेट कर दो, और जैसे ही बोला यूरियोटेलिक मैमल को बोलोगे, श्योर से मैमल को बोलोगे, और क्या बोलोगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन को बोलोगे, तो आंसर विल बी नंबर डी, क्लियर हो गया ये वाला, मैंने अभी अभी क्लियर कर दिया, बोनीफिश कहाँ चल गया, अमोनोटेलिक चल गया, हो गया डन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आ जाओ यहाँ पे जूम, और ठीक दिख रहा है ना, हाँ, आउट ऑफ द 12 पेयर ऑफ रिब्स इन द रिब केज, हमारे रिब केज में 12 पेयर में से हाउ मेनी आर ट्रू एंड फॉल्स रिब, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन दिया, इससे बच्चा वाला क्या ही देगा एनटीए, आज ये जल्दी से देखते हैं, हाउ मेनी अपर 7, मतलब 7 पेयर, आओ इसको लिख देते हैं, 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स, 7 पेयर्स मतलब 14, 14 आर ट्रू रिब्स, और उसके नीचे जो 3 होता है 3 पेयर मतलब 8 9 10, दे आर नोन एज फॉल्स रिब अकॉर्डिंग टू एनटीए और हमारी किताब, तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। चलो ये क्लियर हो गया, ओके 30 का ए नहीं होगा भैया, पेयर पेयर का है, इसमें लिखा है, इसमें हाउ मेनी पेयर तो नहीं लिखा है, इधर लिखा है हाउ मेनी रिब, दैट इज वाई आपको कंफ्यूजन हो गया। चलो एक और करते हैं, हो गया क्या हो गया जी, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड यूज इन द प्रोटीन प्रोड्यूस थ्रू, अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं जल्दी से बताओगे, यहाँ पे अमाइनो एसिड कैसे बनेंगे आप जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड कैसे बनेंगे एकदम जल्दी से, यहाँ ऑप्शन दे दिया, रिडक्टिव अमाइनेशन, ट्रांस अमाइनेशन, कैटेलिटिक अमाइडेशन या डाइट्रिफिकेशन। अब आपको डाउट आ रहा है सर जी कैसे बनेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ ट्रांस अमाइनेशन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ग्लूटामिक एसिड है जो सबसे पहले बनता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय ट्रांस अमाइनेशन होता है जिसमें ग्लूटामिक एसिड सबसे पहला बनता है, अब वो कैसे हो जाएगा याद रखिएगा, ग्लूटामिक एसिड फिर उसके ट्रांस अमाइनेशन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड क्या करता है अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, अदर कीटो एसिड को अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है, उसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन, ओके याद रखिएगा। चलो नंबर बी विल बी द आंसर, एक और करते हैं, क्लियर हो गया ये छोटा सा, भैया अटक रहा है सनाया, आप एक बार रिफ्रेश कर लो ठीक हो जाएगा, ओके चलो यहाँ भी रिफ्रेश होता है क्यों नहीं होता, आप बैक करके वापस आ जाओ, देखो आप यहाँ से एनसीईआरटी था प्योर एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, जल्दी से फोकस करिए यहाँ पे, क्वेश्चन पे क्या लिखा है जी आप लोग एकदम जल्दी से बता दीजिए, यहाँ क्वेश्चन पे क्या लिखा है, यहाँ आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मेंबर ऑफ फाइलम एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा के लिए नॉट एप्लीकेबल बोला, नॉट नॉट बोल दिया,
ठीक है, जरा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे भैया डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है यार, ओके डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही तो हो रहा है वहाँ पे लार्वा, ओके चल रहा है आपका, याद करो लार्वल वाला। उसके बाद बोला है इसमें क्या कर दिया, एडल्ट आर सिमेट्रिकल रेडियली, ऑब्वियसली दे आर रेडियली, और क्योंकि लार्वा कैसा होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। उसके बाद और क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हैबिटेट मरीन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम का आ रही है, जो बॉडी सिस्टम है यहाँ कर दिया कैसा, कैनल कैनल सिस्टम कर दिया। कैनल सिस्टम तो पोरीफेरा में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इधर क्या मिलता है, इधर का एक्सक्लूसिव क्या, वाटर वास्कुलर सिस्टम, किसी को याद है क्या भाई साहब, याद आ रहा है क्या? तो इधर पे तो कैनल सिस्टम नहीं मिलता। ओके डन, ये वाला गलत हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं हम जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मैमरी ग्लैंड, इसमें से मैमरी ग्लैंड किसके पास होगा, जो मैमल और क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ये वाला यहाँ पे टेरोपस, टेरोपस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं इसको, फ्लाइंग फॉक्स इज ए मैमल, आंसर विल बी नंबर बी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आई गेस आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे करेक्ट पूछा ना, करेक्ट बोला है। पहला स्टेटमेंट दे दिया आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास, भाई क्लास नहीं होता फाइलम होता है, ये गलत है, ये गलत है। आपको डाउट आ सकता था सौरभ भैया सही है गलत है। अब यहाँ लिखा है एनिलीड, एनिलीड में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज होता है, एनिलीड में क्लोज ही होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है एनिलीड का, जिसमें ओपन होता है। एक एनिलीड याद है, लीच, लीच याद है, लीच में ओपन हो जाता है, लीच में ओपन हो जाता है, लीच में ओपन हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। छोटा छोटा सा करके मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने का, कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो कि आप बैठे रह जाओ कि सौरभ भैया आप तो खाली ये जो बोलते हैं ना एमसीक्यू करवा के निकल जा रहे हो, मैं आपको साइड वाला जो भी हो वो बता दे रहा हूँ छोटा छोटा करके। चलो एक और करते हैं, और पिस्टाकुला, नहीं भैया देखो ध्यान से, और क्या हो गया इसमें, ओके यहाँ पे पिस्टाकुला नहीं था, पिस्टाकुला क्या हो, हमारे लिए हमारा जो नेशनल बर्ड है उसको क्या बोलते हैं बता दो, हमारा जल्दी से बता दो, पीकॉक का क्या नाम था, भूल गए क्या भाई, ऐसे करने से चलेगा, ये तो दिया है ना एनसीईआरटी में। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, यहाँ पे आ जाइए डन से, ये वाला करें क्या। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बोनी फिश, आ जाओ क्या हो गया, ये वाला करिए जी जल्दी से। ओके रुपेश भाई ने आंसर दिया था, अच्छा लगा, पैवो लिख दिया सबने, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बोनी फिश, बोनी फिश का भैया प्लैकोइड कहाँ से आ गया, नहीं प्लैकोइड तो नहीं होता वहां पे, बोनी फिश के लिए तो नहीं होता प्लैकोइड, और क्या होता, चलिए आइए देखते हैं। गिल्स विद ओपरकुलम, यस यार उनके पास ओपरकुलम होता है, ओपरकुलम होता है, गिल्स के साथ ओपरकुलम होता है, याद रखिएगा ये वाला। ओके और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, बोनी फिश है ना, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स के पास ये एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये वाला याद रखिएगा। और दे आर बोथ मरीन एंड तुम्हारा फ्रेश वाटर, ओके तो भैया इसमें क्या हो गया, क्लियर हुआ है छोटा सा। और इनमें स्केल कैसा प्रेजेंट होता है, बोनीफिश में साइक्लॉइड हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया, तो 35 का बी हो जाएगा आंसर, डन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको मार्क करते हैं हम जल्दी से, इसमें करेक्ट पैटर्न क्या बायोडाइवर्सिटी का, चूज द करेक्ट पैटर्न, आइए देखते हैं यहाँ पे ये वाला। आप देखो करेक्ट मेरे को करना है, अब मैं इस पे जूम करता हूँ, अब मैं इस पे जूम करता हूँ जरा सा, जिससे आपको समझ आए, आइए चलिए देखना चालू करते हैं। लिखा है सबसे पहले क्या लिखा है यार जल्दी से, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर यूनिफॉर्म एंड इवन, नो मैन गलत है, यूनिफॉर्म इवन कहाँ से हो गया, पोल पे तो कम है ट्रॉपिक पे ज्यादा है, जैसे ही बोल दिया मैंने पोल पे कम है ट्रॉपिक पे ज्यादा है, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया, नीचे वाला स्टेटमेंट सही हो गया क्या जी, क्लियर हुआ तो दजीज भैया जल्दी से बता दीजिए। नीचे वाला क्योंकि ट्रॉपिक पे ज्यादा होते हैं पोल पे कम होता है, एज वी मूव मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ये वाला लाइन याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से करते हैं, चलो डन करें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन, इसमें से आप बता दीजिए करेक्ट सेट क्या है, करेक्ट सेट कुछ होना चाहिए ना। सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए आपका अर्थवर्म जाके उसको फ्रैगमेंटेशन करेगा, फ्रैगमेंट में तोड़ेगा, इसको डी नंबर नहीं दिख रहा क्या, आइए दिखाता हूँ, आ जाइए डन करें, अब डी नंबर दिख रहा है, यस। अब आप बताइए इसमें अर्थवर्म क्या करेगा, जाके पहले फ्रैगमेंट में ब्रेक करेगा, जैसे ही मैंने बोल दिया फ्रैगमेंट में ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, फ्रैगमेंट में ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो भी मिनरल था वो डिजोल्व होगा, लीचिंग होगी उसकी, उसके बाद क्या होगा वहां पे बैक्टीरियाज रहेंगे जो कैटाबॉलिज्म ये सब वाला काम कर रहे हैं, आई गेस दिमाग में आ रहा है कि यस, तो आंसर क्या हो गया, नंबर डी हो गया, ऑब्वियसली डी हो गया, डेट्रीवोर्स वाला काम आ रहा है यहाँ पे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, द पैथोजेन कॉजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस मतलब स्लीपिंग सिकनेस, आप याद रखिए स्लीपिंग सिकनेस कौन करेगा, स्लीपिंग सिकनेस आप बता सकते हो कौन करता है, जल्दी से बता दीजिए ये वाला कौन करता है भैया, याद आया सबको, सबको नहीं याद है, प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन
याद करिए, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन पढ़ते रहते हो यार कि भैया ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा याद आया, ट्रिपैनोसोमा इज ए फ्लैजेलेटेड, है ना, फ्लैजेलेटेड है, तो आंसर विल बी नंबर डी। ओके चलो एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं यहाँ पे हम। नाउ वन कैन डिस्टिंग्विश ए लीफलेट फ्रॉम ए लीफ बाई द एबसेंस ऑफ, एक जन अगर लीफलेट को लीफ से कैसे डिस्टिंग्विश करता है, वेरी इजी है भैया। चलो आओ ये वाला, बाई द एबसेंस ऑफ, क्या चीज एबसेंट रहेगा, कमेंट में क्या हो गया भैया, मेरा फोन ही खराब है, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। चलिए आइए बताते हैं, जो एक्सिलरी बड है ना भैया, वो एक्सिल ऑफ सिंपल लीफ से डेवलप होता है, सिंपल लीफ से, नॉट फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफलेट इन ए कंपाउंड लीफ। हो गया क्लियर, तो आंसर विल बी नंबर सी, आप एक्सिलरी बड से आप डिफरेंशिएट कर दोगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, डिप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ओनली प्रोड्यूस्ड बाई, देखो यहाँ पे बोल दिया ओनली, ओनली यहाँ पे ओनली पे गेम खेला भाई, बहुत सही क्वेश्चन कर दिया इसको, ओनली खेल के, ओनली खेल के जैसे बोल दिया डिप्लॉइड बोल दिया, देखो डिप्लॉइड बोला यहाँ और ओनली कर दिया, नंबर नहीं दिख रहा, क्या चीज का नंबर नहीं दिखा, अभी दिखा दो, आ जाओ यहाँ पे नंबर दिखा दो दिव्यांश। ओके 40 नंबर, तो डिप्लॉइड स्पोर किसका करेगा, रस्ट कॉजिंग फंजाई, याद करिएगा पक्सीनिया, पक्सीनिया ये सब क्या करता है, डिप्लॉइड स्पोर रिलीज करता है, डिप्लॉइड स्पोर रिलीज करता है, याद रखिएगा, नंबर बी इज द आंसर, क्लियर हो गया। चलो एक और करते हैं भैया, 41 नंबर क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एग्जाम्पल मिलेगा मेरे को, मेटाजेनेसिस का एक एग्जाम्पल मिलेगा, कौन करता है मेटाजेनेसिस, एग्जाम्पल चाहिए मेरे को, आई वॉन्ट वन एग्जाम्पल, जल्दी से बता दीजिए 41 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एकदम टफ से बताइए क्या हो गया, जल्दी से बोलिए। ओके यार भैया टेलीग्राम पर, अरे भैया टेलीग्राम पर क्या, सॉरी यार टेलीग्राम पर आप देख लीजिए, मेरा ज्वाइन करके वहां पे तो कर रहा हो ना, आ जाओ क्या, ओबेलिया, लवली लवली, तो सेलेंट्रेट्स हो जाता, मतलब निडेरियंस के अंदर होता है। चलो एक और करते हैं, इसमें होता क्या है, सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच गेम चलता रहता है, बट प्लॉइडी रिमेन सेम, मतलब 2n ही रहता है, बॉडी रिमेन 2n, ऐसा नहीं एन और 2n में खेल रहे हो, ये वाला याद रखना। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको बोला गया सिंगल चॉइस, एक और बताइए 42 नंबर, एट विच, ओके एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कार्टिलेज नॉट फाउंड, नॉट बोल दिया, नॉट नॉट बोला है ना, नॉट को फोकस करते हैं यहाँ पे, आज ये जल्दी से अभी आपको फोकस करवा दूँ, बिटवीन द क्रेनियल बोन, ये जो है क्रेनियल बोन के बीच फाइब्रस ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है यहाँ पे, याद रखेगा। ओके यहाँ पे कैसा ज्वाइंट हो जाता है आप खुद बता दीजिए, क्रेनियम के बीच कैसा ज्वाइंट होता है, आई गेस क्लियर हो रहा होगा, हाँ भैया आप तो समझ आ रहा है कि भैया ये कैसा ज्वाइंट हो रहा होगा, ये तो एकदम टाइट वाला ज्वाइंट हो जाता है, याद आया, तो सूचर, उनको सूचर भी बोलते हैं ना, सूचर्स, याद आ रहा है। ओके चलो, तो भैया ये वाला गलत है, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना नोन एज अमेरिकन कॉकरोच, अरे कॉकरोच के बारे में पूछा है, आप बताइए इसमें से कौन सा चीज इनकरेक्ट है, बोलते हैं ना इनकरेक्ट, आइए बताइए उसके बारे में इनकरेक्ट क्या है, जल्दी से देखते हैं आप, इनकरेक्ट, नंबर ऑफ विंग, नंबर ऑफ विंग दो पेयर, ओके होते हैं यार, मेसो और मेटाथोरासिक, यस ये तो सही था, और क्या लिखे, नंबर ऑफ लेग थ्री पेयर होते हैं, सबको पता था, नंबर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ लिखा है क्लोज्ड, नो मैन वो ओपन होता है, इनका आर्थ्रोपोड में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, तो ये वाला गलत हो गया, और ओवेरी दो ही होती है, ओवेरी तो दो ही होती है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा से एक और क्वेश्चन की तरफ, डन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ओके आपके सारे क्या हो गया जी आपका, ओके एक और करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द इन्फरेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रिफिथ, भैया ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना, उससे उसको क्या पता चला था, ग्रिफिथ को सिर्फ इतना सा ही पता चला था कि कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, उसको ये नहीं पता था कि दैट वाज डीएनए, वो प्रूफ किसने किया था, याद करिए एवेरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने प्रूफ किया था कि वो डीएनए था जो जा रहा था, याद आ गया भैया, ओके फोन बंद हो गया था, कोई बात नहीं अभी आ गए तो चलो आ जाओ, कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है नंबर सी। देखो आई एम ट्राइंग कि आपको सारा क्लियर करके बताऊं, इधर उधर घुमा के नहीं कि समझ ही नहीं आए, ये करते हैं। चलो आ जाओ टेंडन, भैया टेंडन देखो सुनो ध्यान से, टेंडन बोला है ना, टेंडन किसको मदद कर रहा है, मसल, ओके क्या बोल दिया, अटैच टू बोन, ओके बोन से मसल को, याद रखिएगा अगर हमारा बोन है यहाँ पे, ये बोन है तो जो मेरा मेरा मसल आता है ना, उसको अटैच करने, एकदम ऐसे नैरो होके अटैच करने में मदद करता है, लिगामेंट बोन से बोन का जॉइंट के लिए, दे आर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, एरियोलर, डेंस रेगुलर, एडिपोज, डेंस इरेगुलर, अगर मैं आपको एक शब्द में बोलूं आंसर क्या हो जाता है, एक शब्द में आंसर विल बी डेंस रेगुलर, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर इरेगुलर कहाँ पे मिलता है, मैं बोलूंगा स्किन के नीचे मिलता है इरेगुलर, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके डन, यहाँ पे करते हैं भैया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलील,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील। आ जाओ अब एक सवाल बनाते हैं, अब एक सवाल बनाते हैं मस्ती वाला। क्या हो गया, एक सवाल बनाते हैं मस्ती वाला, मस्त मजा आएगा। चलिए तैयार हो जाइए, एक सवाल बनाते हैं। यहाँ पे आपको हार्डी विनबर्ग का गेम खेल दिया गया है। यहाँ पे बोल दिया गया, ये बोल दिया कैपिटल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दे दिया गया है। कुछ नहीं है, वेरी बच्चा वाला सवाल। कैपिटल ए को मतलब कैपिटल पी मानिए, और ये स्मॉल ए को स्मॉल मतलब ये क्यू मानिए, ऐसे जो बोलते हैं ना क्यू मानिए। अब यहीं से सवाल बना लीजिए, एकदम इजी हो जाएगा। अब निकालते हैं, हमको हेटरोजाइगस निकालना है, हेटरोजाइगस निकालना। और एक इसमें पॉपुलेशन कितना दिया हमको भैया, 250। 250 में मेरे को पॉपुलेशन निकालना है। आइए निकालते हैं, 250 में कितना हो जाएंगे, निकालते हैं इसको। एकदम वेरी बच्चा वाला सवाल है। कैसे करते हैं आप, सबसे पहले आप यहाँ पे 2PQ निकालना है, हेटरोजाइगस मतलब 2PQ है ना। तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधी आप मेरे को बताइए इसमें करते क्या। आप डायरेक्टली करते 2 × 0.7 × 0.3, ये करते इंटू 250 मार देते, मार देते तो आ गया आंसर। आ गया क्या आंसर, 105, 105 आ गया ना। 2PQ का मतलब ही तो हेटरोजाइगस होता है ना। चलो क्लियर हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो डन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ गया हम आ गए क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली कम्युनिटी। अर्ली कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, जो स्टार्टिंग में होगा, जो स्टार्टिंग पे होगा। अगर एक बात बता, जो अर्ली पे है, अर्ली फेज पे है, जो डेवलप स्टार्ट किया है, उसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा कहाँ से मिलेगी, उसमें डाइवर्सिटी तो कम ही रहेगी। ओके चलो आ जाओ, ये वाला क्लियर करें क्या, उसमें डाइवर्सिटी तो कम ही रहेगी ना। ऑब्वियसली डाइवर्सिटी, अभी अगर वो वहीं पे ओल्ड होती या प्रोग्रेसिव होती धीरे धीरे, तब वो फैलती डाइवर्सिटी, अभी तो कम है। और प्रोडक्शन क्या होगा, अर्ली है तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, ऑब्वियसली अभी ज्यादा नहीं होगा। और फूड वेब जो बोलते हैं ना, फूड वेब का मीनिंग क्या होगा, अलग अलग इंट्रैक्शन, अभी कहाँ से मिलेगा यार, ये तो अर्ली है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया, नंबर ए। नीच का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई रहता है और उसका फंक्शन, वो नैरो है, अभी फैला नहीं है, पूरा डाइवर्स नहीं हुआ है। आंसर विल बी नंबर ए। चलो एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, और HCL को बोलता है निकलो निकलो, तो कौन है यहाँ पे, रेनिन, ग्लूकागन, इंसुलिन। याद रखिए भैया गैस्ट्रिन, आंसर विल बी क्या हो जाएगा, खुद बता दीजिए, गैस्ट्रिन हो जाएगा। जी सेल भैया याद रखिएगा, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन बोलता है कि भैया HCL निकलो और क्या करो, एसिडिटी मतलब बोलते हैं एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करो। ओके, जिससे डाइजेशन और इनहेंस होगा। डन करें एक और सवाल को, एक और सवाल को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाई पार्स नर्वोसा। भाई पार्स नर्वोसा जैसी बोल दिया, नर्वोसा मतलब नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब आपका हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। तो क्या हो गया, आप बताइए क्या चीज सिंथेसाइज होता है वहां पे। वहां पे कुछ भी सिंथेसाइज नहीं होता, वहां पे स्टोर होता है, वहां पे स्टोर होता है। याद रखिएगा, नथिंग इज सिंथेसाइज्ड। याद रखिएगा, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, बनना, वहां बनता नहीं है, वहां पे स्टोर होता है। स्टोर और रिलीज, स्टोर एंड रिलीज का फंक्शन है वहां, स्टोर एंड रिलीज का। तो आंसर विल बी नंबर डी। चलिए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी से करते हैं। ये वाला हम लोग बात करते हैं कि जो आपका पोलन ट्यूब है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपका सिनर्जिड सेल आप बनाते हो, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे सिनर्जिड बनाते हो और यहाँ पे ऐसे आपका एग सेल बनाते हो, है ना, ऐसे करते हो मान लीजिए। अब यहाँ से जो पोलन ट्यूब आ रहा था, पोलन ट्यूब क्या करता है, आप खुद बता दीजिए, यहाँ पे क्या करेगा, एक सिनर्जिड के अंदर से होते हुए आएगा, मतलब इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड, ये वाला लाइन याद रहेगा। चलो आंसर विल बी नंबर ए, इंट्रा सेलुलर होता है, बीच से नहीं आता है, इंट्रा अंदर से आता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर इन ए टिपिकल मोनोकॉट रूट। चलिए आइए, टिपिकल मोनोकॉट का रूट में सबसे बाहर से अंदर बोला है ना, आउटसाइड टू पिथ, पिथ तक जाना है आपको। चलिए तो एकदम फोकस करते हैं, पिथ तक जाना है तो चलिए इसको एकदम मस्ती से फोकस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बाहर क्या होना चाहिए, एपिडर्मिस का लेयर, मतलब एपिब्लेमा बोल सकते हैं हम उसको, एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बाहर। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद कॉर्टेक्स का लेयर आता है, कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, कॉर्टेक्स का लेयर आ जाता है। चलो आओ, कॉर्टेक्स में भी देखो, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस एबसेंट होता है, रूट बोला है ना, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस एबसेंट होता है, कॉर्टेक्स आ गया। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं, कॉर्टेक्स का ही लेयर है बेसिकली वो, ठीक है, तो एंडोडर्मिस बोलते हैं उसको, एंडोडर्मिस अंदर आ गया, एंडोडर्मिस आ गया। उसके बाद क्या बचना चाहिए, एंडोडर्मिस के बाद खुद बता दो आप, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस के अंदर का लेयर ही तो पेरीसाइकल होता है ना। ओके याद रहेगा, ओके तो ये हो गया आउटसाइड टू इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड टू इनसाइड। ओके तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो गया नंबर सी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 52 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल
इज बाउंड बाई टोनोप्लास्ट, ये अभी अभी करके आया है कि वैक्यूल का गार्ड किससे होता है, वैक्यूल इज बाउंड बाई टोनोप्लास्ट। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन दो बार पे आ गया। चलो आंसर आ गया नंबर सी। ओके क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अरे आ जाओ ये वाला करो, वैक्यूल। चलो क्वेश्चन नंबर 53 पे फोकस करते हैं अब हम। यहाँ पे बोल दिया गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। आ जाइए जरा सा फोकस करते हैं सभी बच्चों के साथ मिलके, हो जाएगा यहाँ पे आप लोग। ओके डन डन डन, सभी बच्चा डन। आ जाइए जरा सा देखते हैं यहाँ पे, नॉलेज लगाते हैं, नॉलेज लगाइए। इसमें करेक्ट बोला है निसिल ग्रैन्यूल सेल बॉडी और डेंड्राइट में मिलता है, एक्सॉन में नहीं मिलता। मेरे को पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट लगा, लेकिन हम लोग नीचे उतरेंगे। एक्सॉन मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू एन ए प्लस इन रेस्टिंग, नो मैन इट इज एकदम एकदम इम्परमिएबल होता है। यार कहाँ से परमिएबल होता है, नो ये गलत है। एक और करते हैं। ओके द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द वॉलेंट्री, नो इधर वॉलेंट्री नहीं हो जाता, गलत लाइन आ जा रहा है यहाँ, या वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हो जाता, ऑटोनॉमिक बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला टिपिकल न्यूरॉन इन द PNS आर नॉन माइलिनेटेड, गलत है, माइलिनेशन होता है PNS पे, माइलिनेशन थ्रू PNS बोल दिया तो स्क्वान सेल होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 54 करते हैं। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग विल, ओके शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, राइट में कब शिफ्ट हो जाएगा, अगर मैं आपको ऐसे करके बताऊँ इसमें राइट शिफ्ट कब दिखेगा, राइट शिफ्ट कब दिखना चाहिए जल्दी से बता दीजिए। जब आप पीएच को क्या करोगे, पीएच को कम करोगे ना, पीएच मतलब मोर एसिडिक के तरफ लेके जाओगे, तब दिखना चाहिए था। और क्या हो जाता है यहाँ पे, आप लॉजिक लगाओ, या फिर आप PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को बढ़ा दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को बढ़ा दो तब दिखता, तो यहाँ पे ए नंबर पे वही लिखा हुआ कहानी, या आप टेम्परेचर को बढ़ा दो। क्लियर हो गया है वाला लाइन। ओके चलो तो आंसर विल बी नंबर ए, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ता तब हो जाता ये। चलो एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 या 55। ओके द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज दैट, जिम्नोस्पर्म में वेसल एबसेंट होते हैं, सीधी बात नो बकवास, वेसल्स एबसेंट होते हैं। यहाँ पे आइए और आंसर खेल दीजिए, इसमें हम लोग एकदम बकवास नहीं करेंगे, वेसल्स एबसेंट होते हैं। चलो एक और करते हैं, जिम्नोस्पर्म हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज फ्लावर विच प्रोवाइड इंसेक्ट, भैया उसको जगह देगा, उसको जगह देगा अंडे देने का, उसको अंडे देने का जगह देगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, एमोर्फोफेलस होता है, 6 फीट लंबा वाला कहानी आता है, आई गेस याद आ रहा होगा, 6 फीट लंबा होता है फ्लावर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल मतलब क्या होता है, देखो आप लोग का कॉर्टिकल में कहानी आता है, और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी वाले मेडुला के अंदर तक जाते हैं, मतलब उनका लूप ऑफ एनल लंबा होता है, कॉर्टिकल वाले का लूप ऑफ एनल लंबा नहीं होता। अगर लूप ऑफ एनल लंबा नहीं है तो क्या होना चाहिए बता दीजिए, उसका आप लोग खुद ही लगा सकते हो लॉजिक, कि अगर उसका लूप ऑफ एनल लंबा नहीं है तो उसका वासा रेक्टा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कम ही रहेगा। तो इसका देखो यहाँ पे नॉट बोला, नॉट तो कॉर्टिकल का फीचर है शॉर्ट लूप ऑफ एनल, वासा रेक्टा ऑब्वियसली उस पर एबसेंट रहेगा, फ्यूअर इन नंबर, ये गलती हो गया यहाँ पे, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, ध्यान से देखिएगा ये गलती हो गया, क्यों गलती हो गया, यहाँ पे नॉट फीचर में ये कितने परसेंट रहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा 85%, ऑलमोस्ट 85% होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे, ऑलमोस्ट 85% होते हैं। चलो ये वाला क्लियर हो गया क्या, ये वाला क्लियर हो गया, आई गेस क्लियर हो गया सभी बच्चों को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। भैया याद करिए आप लोगों को वेसललेस भी बताया था एंजियोस्पर्म का, कि भैया जिसके पास वेसल एब्सेंट भी होते हैं, याद करो लिखाया हुआ है यार, ट्रोकोडेंड्रा ये सब क्या कर रहे हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे मार्क करते हैं, फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लिटरली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इधर उधर मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बोलते हैं लिटरली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ ये वाला आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या, जरा सा दिमाग लगाओगे आप आंसर निकल जाएगा। इसमें अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेन स्टेम से ऑब्लिक ब्रांचेस निकलती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या मिलता है, मेरे को एग्जाम्पल चाहिए इसका, कि इसको क्या बोलते हैं, क्राइसेंथेमम में क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूँ क्राइसेंथेमम में क्या होता है तो आप बता दोगे, मेरे को पता आप बता दोगे, जल्दी से बता, ये वाला अभी अभी बता, जल्दी से बता इसमें क्या होता था, क्राइसेंथेमम, हिंट मिल गया क्या, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दे, इसका नहीं मिला आपको, आपका हिंट नहीं मिला, चलिए आइए बताते इसमें क्या हो जाता है, लैटरल ब्रांचेस कहाँ से निकलती है भाई साहब, क्या हो गया, कमेंट में किसी ने नहीं लिखा, किसी ने कमेंट में नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो जाती है, याद रखिएगा क्राइसेंथेमम हो गया, बनाना में भी मिलता है, पाइनएप्पल में भी मिलता है, बट मिंट में नहीं मिलता। इसमें क्या हो जाता है, ये वाला का लाइन याद रखिएगा, कि लैटरल ब्रांचेस जो है ना कहाँ से निकल रही है, मेन स्टेम से निकल के ऑब्लिक जा रही है और वो ऊपर उठ जा रही है, तो इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम पाइनएप्पल। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये चीज़ तो मैं आप ही से पूछूंगा कि क्राइसेंथेमम में क्या चीज़ आता है या बनाना में क्या चीज़ मिलता है। यहाँ पे आपको बड़ा हिंट दे दिया बनाना,
अब वहीं से आप निकाल लोगे कि क्या हो जाएगा, कि अगर आप इसको क्या बोलना चाहते हो, बस छोटा सा लाइन मैंने बनाना हिंट दे दिया, वहां से निकल जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। फिर भी नहीं समझ आया तो सौरभ शर्मा का द्वार हमेशा खुला आपके लिए, आप आइए डिस्टर्ब करिए हमें। एक और करते हैं, यहाँ पे एक और करते हैं, यहाँ पे स्लरी क्या कर दिया, लिविंग टिश्यू को ऐसे बोलते हैं ना, पेसल कर दिया, पेसल से पेस्ट करके चीज क्लॉथ लगा के हमने उसको एकदम छान दिया, तो फिल्ट्रेट का मीनिंग क्या आ जाता है? पहले देखिए ध्यान से, फिल्ट्रेट का मीनिंग जो नीचे उतर जा रहा है, जो नीचे उतर जा रहा है ये पानी के साथ नीचे उतर जा रहा है, ओके, यहाँ पानी के साथ नीचे उतर रहा है उसको फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जा रहा है मान लीजिए इस कपड़े पे रह जा रहा है, इस चीज क्लॉथ पे रह जा रहा है, उसको रिटेंटेट बोलते हैं। डन। अब आप यहाँ पे बताइए, जो चीज एसिड में सल्यूबल होगा वही नीचे उतरेगा ना, जो चीज एसिड में सल्यूबल होगा वही नीचे उतरेगा, है ना, तो क्या हो गया आप खुद बता दीजिए। पहला स्टेटमेंट ही वही लिखा है कि एसिड में सल्यूबल हुआ तो वो नीचे उतर गया, तो आंसर हो गया 59 का ए, बच्चा वाला से सॉल्व कर दिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट, नॉट द पार्ट ऑफ हैवी मेरोमायोसिन। याद आ रहा है हैवी मेरोमायोसिन, वो जो स्ट्रक्चर आपको सांप जैसा दिखता था। चलिए एक और ये वाला को करते हैं, हैवी मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाएगा? याद रखिए उसमें बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन वो नहीं रहेगा, इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट रहती है, एटीपी बाइंडिंग साइट रहती है, उसका शॉर्ट आर्म और तुम्हारा ग्लोबुलर हेड भी रहता है ऑब्वियसली, तो इसमें ट्रोपोमायोसिन के खिलाफ ये बाइंडिंग साइट नहीं रहती, याद रखिएगा एक्टिन बाइंडिंग साइट रहती है। क्या, कौन सी बाइंडिंग साइट रहती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो एक और सवाल करते हैं। वीडियो अटक रही है क्या मेरी गाइज? मेरी वीडियो अटक रही है क्या? नहीं, आई गेस तो नहीं अटक रही यार। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। द ग्रुप ऑफ द सेल, ओके, द ग्रुप ऑफ द सेल यूज फॉर टिश्यू कल्चरिंग। याद करिए टिश्यू कल्चरिंग के लिए जो सेल लेते हो उसको क्या बोलते हैं आप? एक्स प्लांट बोलते हो, एक्स प्लांट बोलते हो, सीधी बात है, एक्स प्लांट बोलते हो उसको। एक और करते हैं, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62। पीसीआर, अब आया एक बढ़िया सवाल, एक बढ़िया सवाल आया, अब मजा आएगा, अब ये मजा आ जाएगा। एकदम सही क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पे, आपको बोल दिया गया सर जी पीसीआर का जनरली हम लोग बोलते हैं एम्पलीफाई करते हैं, कि अगर आप जानते हो 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपीज बनती है, वहीं पे आप लोग को कैलकुलेट करना आता है 2 का पावर n, 2 का पावर n आता है, जितना साइकिल दो के ऊपर लगाओ और वैल्यू निकाल दो, एकदम बोलते हैं टप से वैल्यू निकालोगे, इधर कोई झमेला का बात नहीं है। 2 का पावर जैसी बोल दिया भैया 2 का पावर n, आपको 10 साइकिल चलाना है, 10, तो 2 का पावर 10 लगाओगे और आंसर निकालोगे। 2 का पावर 10 कितना होता है, निकाल लो यार, अब वो भी सिखाओ क्या? नंबर डी। चलो आ जाओ आगे बढ़ो, कैलकुलेट करना आता है ना 2 का पावर 10 कैसे निकालते हैं, या वो भी नहीं आता, क्या कर रहे हो, हट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अब यहाँ इंटू तो नहीं लिखूंगा कि 2 × 2 × 2, एक और करते हैं चलो। ड्यूरिंग द लैक्टेशनल अमेनोरिया, लैक्टेशनल अमेनोरिया कितने महीने तक होता है? ऑलमोस्ट 6 महीने तक, आंसर होगा 6 महीने तक। लैक्टेशनल याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, मतलब ऐसा मेथड नहीं है, मतलब बच्चा हो गया उसके बाद ये सेफ पीरियड रहता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, अब आया एक बढ़िया सवाल, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कब स्प्लिट करेगा? एक जगह जुड़ा हुआ था क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमियर स्प्लिट कब करेगा? एनाफेज में करेगा, वेरी बच्चा वाला। एक और करते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 65। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, यहाँ पे गलती क्या चीज है, यहाँ पे गलती आपको जानना है कि ये चीज गलती है। आ जाओ अभी देखते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे गलती क्या चीज है। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल, सही बात है। डायफ्राम सर्वाइकल कैप फिजिकल बैरियर, ह्यूमन एग क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ये भी सही है। तो इसमें मिसमैच मिला ये क्यों जी भैया बता दीजिए? रिलैक्सिन, रिलैक्सिंग इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्यों गलत हो गया? आई गेस आपको पता चला, नहीं पता चला तो फिर वापस बोलेंगे, रिलैक्सिंग का क्या काम होता है, कहाँ से निकल रहा है, बता दीजिए आप खुद बताइए। प्लेसेंटा से जो लेटर फेज कर दिया यहाँ पे, वाला कैंसर क्या हो जाता है, कब रिलैक्स करेगा बता दीजिए? नहीं पता, नहीं पता भाई साहब, ऐसे करने से तो नहीं चलेगा, खाली तुक्का मार के तो सही किया, लेकिन जब तक आप रिलैक्सिंग के बारे में नहीं बताते तो मजा खराब हो जाता है। रिलैक्सिंग के बारे में क्या हो जाता है बताइए? ओके, कुछ तो लिखा, कुछ तो लिखा, कुछ तो लिखा। चलो एक और करते हैं, ओके अर्ली, चलो ये वाला कर ले क्या, ये वाला एक और छोटा सा करते हैं, एक और छोटा सा सवाल, एक और छोटा सा। ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये वाला आया थोड़ा ट्रिकी। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय जो टोटल सेल साइकिल मेन होता है, भैया सीधी बात देखो, इधर उधर बात नहीं करेंगे, इसमें आपको डाउट लगेगा एम फेज, बट कि एम फेज आंसर नहीं होता, इसमें आपको ऑर्गेनिल बनाने के लिए या प्रोसिंथेसाइज करने के लिए तो आपको टाइम चाहिएगा जीवन फेज पे, बेसिकली आपको जीवन फेज पे टाइम चाहिएगा, तो वैरी करता है जीवन फेज, नॉट एम फेज। बहुत बच्चों का डाउट था सौरभ भैया ये ऐसा क्यों हो गया, हाँ तो इसीलिए मैंने बोल दिया आपको इसमें चाहिएगा, आपको बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म को, आप अगर कोई भी चीज जाइगोट है यार समझा करो, तो उसको मेटाबोलाइज करने में टाइम लगेगा, कि उसको पता पता करना पड़ेगा क्या चीज बनाना है, उसको डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वहां। ओके चलो एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे अब हम लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, आ जाइए। इन द लेगुमिनस प्लांट देयर एग्जिस्ट ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट एंड द बैक्टीरिया।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। अब आप बताइए इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आइए, बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन देगा और वहां से उससे शुगर लेगा। यही तो बोलते हैं लेन देन, लेन देन चलेगा ना भैया। ओके चलो आ जाओ, ये करते हैं भैया। ओके तो ओके चलो, ये हो गया क्या, डन करते हैं ये वाला नंबर बी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ओके डन करें एक और क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से। नाउ अब आते हैं एक और सवाल, एक और सवाल से 68 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग में प्लेसेंटा डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन। भैया मैमल में दिखेगा, सीधी बात है, ये चिड़िया में नहीं दिखेगा, चिड़िया में नहीं दिखेगा। कोलम्बा इज ए चिड़िया मतलब बर्ड, ओके पीजन, तो ये गलत हो गया। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब आएगा एक सवाल मस्त वाला, आ जाओ ये वाला 69। थोड़ा सा सवाल और बाकी है, करके जाते हैं। ओके क्या क्या हो गया जी, एकदम मस्त है जी। चलिए आइए बताइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आप इसमें आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। इसमें आपके क्या पूछा, सॉरी इनकरेक्ट बताना है, इसमें इनकरेक्ट मतलब कि इसमें गलत क्या चीज है। मियोसिस वन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल इन टू द टर्सरी फॉलिकल। मियोसिस वन हो जाता है, यस मियोसिस वन हो जाता है, मियोसिस वन हो जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा है मियोसिस वन क्या लिखा है, ऊजेनेसिस में अनइक्वल होता है, यस बिकॉज पोलर बॉडीज इज स्मॉल, पोलर बॉडी इज स्मॉल, दैट इज वाई मियोसिस वन इज अनइक्वल डिविजन। ये वाला समझ आया। ओव्यूलेशन इज द एज ए रिजल्ट ऑफ ओव्यूलेशन में क्या निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। सेकेंडरी ओसाइट याद रखिएगा, सेकेंडरी ओसाइट इज टेक्निकली करेक्ट टर्म, सेकेंडरी ओसाइट ही निकलता है ओव्यूलेशन में। क्यों, क्योंकि उसके पास जैसी स्पर्म बोलते हैं पेनिट्रेट करेगा तो एक और पोलर बॉडी निकलता है, दैट इज वाई सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, याद रखिएगा। तो इसमें नन हो जाएगा, इसमें नन हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, सारे सही है, तीनों सही है। ओके चलो क्लियर हो गया, इसमें तीनों सही है। एक और करते हैं सवाल, एक और सवाल करते हैं। द सुगर इन द मिल्क, अरे ये क्या क्वेश्चन है, मिल्क वाले सुगर को क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। मिल्क सुगर लैक्टोज होता है, सबको पता है लैक्टोज, लैक्टेज, देखो लैक्टोज से लैक्टेशन दिमाग में आ रहा है, तो लैक्टोज हो गया, दैट इज इट। एक और सवाल करते हैं, आ जाओ यहाँ पे करते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। भैया क्लोन बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, नॉट मतलब बोलते हैं ना जेनेटिक चेंज नहीं होना चाहिए, जेनेटिक चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही बोल दिया क्लोन बनाना, तो आप क्या करोगे, क्लोन बनाना है, जेनेटिक्स चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन इज असेक्सुअल, मतलब ऐसे करके डिवाइड हो गया, दैट इज इट। तो आंसर विल बी नंबर बी, बट कंजुगेशन ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक का एक्सचेंज होता है, मतलब आपका डीएनए फ्रेगमेंट चेंज हो जाता है, दैट इज वाई ये गलत है। और जो तीनों, एक और करते हैं, एक और सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड द लैंड फर्स्ट। अब आया एक बढ़िया सवाल, सबसे पहले कौन आया होगा यार, सबसे पहले कौन आना चाहिए, आप खुद बता दीजिए सबसे पहले कौन आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिखा, यहाँ पे ऑप्शन दिखा, अभी आपके दिमाग में लगेगा सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले कौन आना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए आप पे कौन आना चाहिए, एकदम जल्दी से बता दीजिए। प्लांट, सिलाकंस, एम्फीबियन। पहले तो लाइफ किस में था, पहले लाइफ किस में था, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया यहाँ पे कि लाइफ सबसे पहले किस में था, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ सबसे पहले किस में था, कि भैया वाटर में था, फिर वाटर से भैया जब लैंड बना तो उसमें कौन आएगा, उसमें कौन आना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए उसमें कौन आना चाहिए, उसमें प्लांट आना चाहिए, याद रखिएगा प्लांट हो जाएगा। ये थोड़ा अटपटा सवाल हो गया था, दैट इज वाई। चलो एक और करते हैं, एक और सवाल करते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे एक और सवाल करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर विथ रेस्पेक्ट टू द आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के लिए क्या चीज करेक्ट है। ओके यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस बोला है ना, आइए इसको फोकस करते हैं, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के लिए क्या चीज करेक्ट है, चलिए फोकस करते हैं। ओके पी और क्यू दे दिया गया है यहाँ पे, इट इज क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज एन इवेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन मॉडिफिकेशन। ओके ये लिखा है ना, जीन साइलेंसिंग मतलब क्या हो गया, साइलेंस कर रहे हो वहां पे, जो आगे उसको बनने नहीं दे रहे हो, उसको प्रोडक्ट को कट कर दे रहे हो, यही कहानी है ना। और क्या हो जाता है इसमें, आरएएससी आता है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, डाइसर यूज करते हैं इसमें, इसमें डाइसर भी यूज करते हैं। ओके चलो आ जाओ, तो इसमें आंसर क्या हो जाता है, नंबर सी, बोथ पी एंड क्यू, बोथ पी एंड क्यू याद रखिएगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल हो जाए, एक और सवाल, हाँ चलो एक और सवाल करते हैं। ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम, इसमें बताइए इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या काम करता है। आई गेस आप लोग मेरे साथ पढ़े हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला कहानी, ऐसे करके हम लोग बनाते थे, यहाँ से याद आ रहा है, हम लोग ऐसे करके बना के फाइनली यहाँ जोड़ते थे कि इनका वी मैक्स सेम हो जाता है, इनका वी मैक्स सेम हो जाता है, तो वी मैक्स तो सेम रहेगा बट के एम क्या हो जाता है, के एम माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट मतलब हाफ वी मैक्स, पहुँचने के लिए कितना भैया, तो ये क्या हो जाता है। ओके माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट, के एम का क्या कहानी आता है आप बताओगे, के एम बढ़ जाता है इसमें क्या हो जाता है। चलो आ जाओ ये करते हैं भैया, एकदम जल्दी से बताओ, इसका के एम बढ़ जाता है, डन हो गया। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं यहाँ पे, आ जाइए जल्दी से। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डार्विनियन वेरिएशन। डार्विनियन वेरिएशन के लिए इसमें इनकरेक्ट क्या है,
इसमें इनकरेक्ट क्या है, डार्विनियन वेरिएशन के लिए आइए देखते हैं। डार्विन का जो वेरिएशन है वो डायरेक्शनल था, सही बात है, स्मॉल था और ग्रेजुअल दिखा रहा था, बट नॉट डिसकंटिन्यूअस। इसका डिसकंटिन्यूअस नहीं था। डार्विन कभी भी नहीं बोला कि अचानक से कुछ आ गया रैंडमली, ये वाला याद रखिएगा। ओके क्लियर हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज आर इंक्लूडेड अंडर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ओके मतलब बेसिकली पॉलीमोनियल इज एन ऑर्डर। अब आप बताइए पॉलीमोनियल में क्या चीज इंक्लूड किया जाता है, क्या चीज इंक्लूड किया जाता है। ओके क्या चीज इंक्लूड किया जाता है, ये वाला बताते हैं, एकदम जल्दी से बता देते हैं यहाँ पे कि भैया पॉलीमोनियल में किसको इंक्लूड किया गया। बच्चा वाला सवाल है यार, इसमें और कुछ नहीं बोलूंगा। सोलानेसी के साथ एक और आता है, कॉन्वोलेसी का। ओके याद आ रहा है, ओके कॉन्वोवुलेसी जो भी बोल रहे हो आप लोग याद रखेगा। ओके चलो क्लियर हो गया। तो सोलानेसी कॉन्वोवुलेसी मिलके पॉलीमोनियल ऑर्डर के अंदर आती है, तो भैया आंसर हो जाएगा नंबर बी। चलिए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिविजन ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ओके इज ए डिविजन इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में इसमें डिविजन कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। डिविजन को क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, क्या बोलते हैं, फाइलम के तरफ भी ले जाते हैं ना, तो आप लोग खुद बता दीजिए यहाँ पे क्या हो जाता। ओके जल्दी से बता दीजिए। ओके एनसीईआरटी में है ये, ऑब्वियसली है ये, एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी है ये, तो क्या हो जाता है इसका, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी याद रखिएगा। एक और करते हैं भैया सवाल, 78 नंबर सवाल को ठोकते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। आप नॉट बताइए इसमें, जो एक दूसरे ऐसे इन्फेक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कैंसर। कैंसर ऐसे नहीं फैल जाएगा कि अचानक से आप मेरे साथ बैठे फैल गया, या मतलब सेक्स के थ्रू भी कैंसर नहीं फैलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं इन्फेक्शन। ओके एक और करते हैं, हाँ नॉन इन्फेक्शियस है कैंसर। ओके इन द रिलेशनशिप ऑफ ए लाइकेन फंगल पार्टनर। देखो फंजाई मतलब माइको, फंजाई मतलब ही तो माइको आ गया ना, तो फंगल पार्टनर को क्या बोलोगे आप, आप फंगल पार्टनर को क्या बोलते हैं, माइकोबायंट बोलते हो। आप फंगल पार्टनर को क्या बोलते हो, माइकोबायंट बोलते हैं। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल, एक और सवाल करें क्या। ओके विच एंटीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस किसके कारण होता है, आर एच मिसमैचिंग के कारण होता है। आर एच, आर एच जो एंटीजन होता है उसका मिसमैचिंग के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर एच एंटीजन, ऑब्वियसली आर एच एंटीजन। उसका एक और नाम होता है, उसको डी एंटीजन भी बोलते हैं, मतलब बेसिकली याद रखिएगा। एक और सवाल करते हैं, एक और, एक और एकदम जल्दी से करते हैं। चलो 81 करते हैं, द डिस्टेंस बाई ए कम्प्लीट टर्न, मतलब बोला पूरा एक कंप्लीट टर्न में कितना डिस्टेंस होता है, 34 एंगस्ट्रम का होगा, याद रखिएगा 34। और एक बेस पेयर बोलते हैं ना, बेसिकली दो बेस पेयर के बीच कितना डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं 3.4, तो आंसर हो जाएगा नंबर बी। ओके 34 एंगस्ट्रम पूरा आपको बोला डिस्टेंस, एक कंप्लीट टर्न का बोला है। एक और सवाल करते हैं आपके साथ मस्ती करते हुए यहाँ पे। ओके सिंगल चॉइस, चलिए आइए देखते हैं। आरक्यू ऑफ फैट, फैट एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन का आरक्यू क्या हो जाता है, लेस देन वन होता है, कैसा होता है, लेस देन वन होता है, लेस देन वन होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो एक और करते हैं। ओके डीपीटी, भैया डीपीटी डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और क्या होता है, टिटानी होता है ना। ओके मतलब टिटनस याद रखेगा, नॉट टिटनी एग्जाम। ओके याद रखिए, बिकॉज डिफरेंस आता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आप लोग क्या करा करिए, मेरी बातों को सुना करिए, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर जी क्या कर दिया, कुछ भी बोल रहे हो। याद रखिए टिटनस होता है, ठीक है, क्या टिटनस होता है ना, टिटनस होता है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस। तो इसमें एलिमिनेट क्या करोगे आप, एलिमिनेट करके निकाल दो, क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं होता, तो एलिमिनेट हो गया। चलो अरे एलिमिनेट करना है सौरभ भाई, एलिमिनेट, एक्सेप्ट बोला, एक्सेप्ट क्वेश्चन को पढ़ने का। चलो आ जाओ, ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या था भैया, याद आ रहा है क्या, ओके बीसीजी वैक्सीन थी ना। चलो एक और करते हैं, ये वाला सवाल भी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, इसीलिए करवा देता हूँ आज ही यहाँ पे, ये वाला करवा देता हूँ। जो एक टीसीए साइकिल है ना, कितना NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस होता है एक एक टीसीए साइकिल पे। एक टीसीए साइकिल की अगर मैं बात करूँ, सीधी बात इधर उधर से बात नहीं करूंगा, एक FADH2 निकलेगा और तीन NADH निकलता है, तीन NADH2 निकलता है, दैट इज इट, तीन रिड्यूसिंग यहाँ से निकलता है, बेसिकली तीन निकलेगा कि एक बार अगर आप एसिटाइल कोई को घुमाओगे साइकिल में तो तीन NADH2 निकाल देगा आपको। एक और सवाल करते हैं यहाँ पे, ये वाला अगर आपको याद नहीं है ना क्रैब साइकिल, तो आपको याद करना पड़ेगा। चलो एक और सवाल करते हैं। ओके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड, सस्टेनेबल बोल दिया मतलब आप क्या करोगे इसमें, आप लोग तो कुछ और कुछ यूज नहीं करोगे, सस्टेनेबल मतलब क्या करोगे आप, कि नॉर्मल करोगे आप इसमें, ऐसा नहीं कि पेस्ट वो पेस्टिसाइड वो सब करोगे, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आप क्या करते थे, आप ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज किए थे जो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक वंस भी थे, तो आप आंसर हो जाएगा इसको आप एलिमिनेट कर दोगे, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला चीज नहीं आना चाहिए उसमें। डन, एक और सवाल करते हैं। ओके डन, आईपीएम का होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एक और करते हैं। ओके ये वाला करते हैं भैया, लैब, लैब स्टैंड फॉर, लैब स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, लैब, लैब पता है ना, लैब किसको बोलते हैं जल्दी से बता दीजिए, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कर्ड फॉर्मेशन, लैब के लिए मतलब कर्ड फॉर्मेशन, क्लियर हो गया, लैब के लिए कर्ड फॉर्मेशन।
चलो एक और सवाल करते हैं, 87 नंबर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड कैटिकोलामिन, इसमें से कैटिकोलामिन किसको बोलते हैं? इसमें कैटिकॉल, कैटिकॉल का न्यूक्लियस मतलब एड्रीनल मेडुला से जो प्रोड्यूस होते हैं, एड्रीनल मेडुला से जो प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली उनको बोलते हैं कैटिकोलामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप बता दीजिए, क्या हो जाएगा? एड्रीनल मेडुला से कौन प्रोड्यूस होगा? एड्रीनलिन होगा, नॉट मोर देन वन, ये गलत है। एड्रीनलिन ये जो दोनों है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से होते हैं तो इनको नहीं बोलोगे आप। चलो क्लियर करते हैं, एक और हो गया ये वाला, 88 नंबर करते हैं। चलिए आइए 88 करते हैं। हाँ, सेलेक्ट द कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इम्बिबिशन, यहाँ आप बताइए इसमें इम्बिबिशन के लिए क्या चीज करेक्ट है? करेक्ट पूछा है, ध्यान से देखिएगा, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। भैया आ जाओ यहाँ पे फोकस करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड, भाई नहीं है, ये क्या हो गया, तो सिंपल डिफ्यूजन वाली कहानी है, इसमें कोई फैसिलिटेशन नहीं चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, आ जाओ, द एफिनिटी इज नॉट ओके, इज नॉट ए ओके, नॉट रिक्विजिट, नहीं भैया रिक्विजिट चाहिएगा ना, ओके इज नॉट ए रिक्विजिट बोल दिया, ये तो गलत हो रहा है। उसके बाद क्या बोल दिया कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन भी होता है, मेजर होता है एड्जॉर्प्शन, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे द मेजर जो हो जाएगा कि भैया इसमें आप लोगों को क्या लिख दिया गया है कि वेट वुड, भैया ओके ये वाला याद रखेगा, ड्राई वुड होता है वहाँ पे, अगर आप लोग कर रहे हो ना एड्सॉर्ब के साथ, एब्जॉर्ब भी होता है कुछ पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ड्राई वुड होता है, वेट वुड है तो पहले से ही वो तो उसके अंदर वाटर है, ओके तो ये चीज़ क्लियर करिए, उधर ड्राई वुड होता है, ड्राई वुड होता है, क्लियर हो गया, ओके तो इसमें ड्राई वुड होता है, ये भी गलत हो गया, ओके ये भी गलत हो गया, यहाँ पे ड्राई हो जाता है, यहाँ पे ड्राई वुड हो जाता, ठीक है, ये ड्राई हो जाता, तो इसमें आंसर हो जाएगा नंबर डी, ओके चलो आ जाओ ये वाला हो गया डन। अब क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। हाँ, विच प्लांट हैज बीन यूज टू स्टडी द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्योरली एनसीआरटी, हाइड्रिला, मैं इस पे ज्यादा बहस ही नहीं करना चाहूंगा, एकदम बोलता है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट उसका डांस करता है, अगर आप देखते हो, मतलब मस्ती के लिए बता रहा हूँ, ओके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है हाइड्रिला के लीफ में, याद रहेगा, चलो आ जाओ ये, ओके एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। स्पीसीज दैट हैज मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मतलब क्या, याद आ रहा है, ओके की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, जैसे कहीं कार्निवोर होते हैं वो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करते हैं। चलो एक और सवाल, अभी सवाल से मैंने आपको छोड़ा नहीं है, याद रखिएगा, सवाल से मैंने आपको छोड़ा नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से आपको और क्वेश्चंस करने चाहिए और वो मैं करवा के जाऊंगा। चलिए आइए वाला करते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है मेलाटोनिन, पहले आप लोग देख लो इसके बारे में, देख लो कि मेलाटोनिन क्या काम करता है, खुद बता दो मेलाटोनिन क्या करेगा, स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करेगा, बॉडी टेम्परेचर भी आ जाता है उस पर, तो पी का आप क्या लगाते, पी का फोर लगाते, पी का फोर लगा के आप दो जगह लॉक करते, कहाँ कहाँ लॉक करते थे आइए देखते हैं, पी का फोर लगा के यहाँ यहाँ लॉक करते, यहाँ या फिर यहाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पी लगा दिया, उसके बाद क्या लगाते हैं, क्यू नंबर लगाते हैं, एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरॉन खुद बता दीजिए, एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, एन ए प्लस को रीअब्सॉर्ब करेगा और के प्लस को एक्सक्रीट करेगा, तो जैसे ही बोल दिया भैया एल्डोस्टेरॉन का, क्यू का देख लिया, क्यू का क्या हो जाएगा खुद बता दीजिए, टू हो जाएगा, तो आंसर विल बी नंबर सी। चलिए ओके, अरे भैया इसका हो गया टू हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे भी हम फोकस करेंगे, थोड़ा जूम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ये वाला करते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनप्स, क्वेश्चन नंबर 21, मैंने बोला था ना मैं लास्ट में करवा दूंगा, जो जो इसको मेरे को असेंबल करना पड़ता है ये सब क्वेश्चन को, ओके आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक साइनेप्स में गैप ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उसमें बगल बगल में होता है, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एकदम बगल में रहते हैं। उसके बाद क्या बोल दिया गया, रिक्विजिट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, उसमें कोई न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं चाहिएगा क्योंकि उसमें आयन का गेम होता है, उसमें आयन्स का गेम हो जाता है, तो आंसर विल बी नंबर बी, क्लियर हो गया। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं इसमें मस्ती से, एक और सवाल को ठोकते हुए एकदम जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर कितना बोला गया, लाइक वाइक कर ही दिया होगा, मैं इसमें और बोला नहीं जाता, जब मैं इतने क्वेश्चन करवा दिया ना तो और बोला नहीं जाता कि भैया ये कर दिया वो कर दिया, आप जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे आइए फोकस करते हैं, यहाँ पे आइए मस्ती आएगा, पहले आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे द नोटोकॉर्ड, यहाँ पे क्या बोला गया आपके लिए कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, माउथ इज वेंट्रल, ओके स्किन इज मॉइस्ट विदाउट क्यूटिकल, टेल में भी, ओके टेल में भी प्रेजेंट, 6 से 15 गिल स्लिट होते हैं, जॉज एबसेंट, एबसेंट है जॉज। 4 नंबर है वीवी पेरस, पिना इज प्रेजेंट, क्या लिखा है, पिना इज प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द मेंबर, आइए आप बताइए इसका। चलो पढ़ लिया आप, इसको मार्क करते हैं, चलिए डन करते हैं। अब ये वाला के बारे में आपको चूज करना है, जल्दी से चूज करोगे, करना है ना चूज, चूज तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, चूज बिना किया थोड़ी छुड़वाऊंगा। चलिए बताइए वाला क्वेश्चन नंबर 14 को, एकदम इजी है भाई साहब, कहीं पे एकदम चिल मारिए और बताइए इसका क्या लगता है आपको, खुद लॉजिक लगाइए। जैसे ही आपको बोल दिया गया इसमें क्या क्या बोला गया कि पहला वाला में अगर आप लास्ट भी देखोगे ना, यहाँ पे बोल दिया वीवी पैरिटी, वीवी पैरिटी बोलते ही ओके, और पिन्ना प्रेजेंट, पिन्ना बोल दिया प्रेजेंट मतलब टेरोपस की तरफ जा रही है,
ओके टेरोपस मतलब अभी अभी आप लोग पढ़ के आए थे याद आ रहा है, तो टेरोपस भैया नहीं आ रहा अभी भी, चलो एक और करते हैं। ओके 6 से 15 गिल स्लिट और जॉज एब्सेंट, जॉज एब्सेंट मतलब लैम्प्रे की तरफ जा रहा है मतलब याद आ रहा है, तो जॉलेस ओके तो यहाँ पे आ गया लैम्प्रे। उसके बाद क्या, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल मतलब कोई ना कोई तो एम्फीबियन नहीं होगा, टेल में भी प्रेजेंट, तो हो गया हाइला। और लास्ट वाला जो होता है मतलब वन नंबर क्या बोला, नोटोकॉट परसिस्टेंट, तो प्रिस्टिस हो जाता, प्रिस्टिस दैट इज इट, वेरी बच्चा वाला सवाल था। और इसी के साथ हम लोग 90 क्वेश्चन कर दिए हैं आपके लिए, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, ऑल ऑल ऑफ देम मतलब बोलते ऑल करवाया मैंने, मैंने ऑल 90 करवा दिए, वो भी विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई गेस फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच फॉर बींग ए पेशेंट लर्नर, थैंक यू सो मच। आज रात को 9 बजे मिलते हैं अनअकेडमी की क्लास पे, चलिए बाय, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब अटेंड करना, बाय, थैंक यू, चलिए बाय।